शपथ है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय रामसर है। जब प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी ने सारे देशवासियों से दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर 1 इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9 सहयोग की अपील की। तब मेरे मन में विचार आया कि मैं भी अपना गुल्लक सरकार तक पहुंचाऊं। इस चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि जिला कलेक्टर द्वारा यह गुल्लक मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कष्ट करें तथा आप सब भी देश के सहयोग। ये गुल्लक मुझे एक स्कूल की छात्रा जो गांव रामसर में नसीराबाद के गांव रामसर में रहती है और सीनियर राजकीय माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है, 6th क्लास की छात्रा है, 11 ईयर की बच्ची है और ये निर्धन परिवार से है। और जब इसने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की अपील सुनी थी तब उसके दिल में विचार आया कि मुझे भी मेरे गुल्लक का जो राशि है मुझे भी है ना ये वहाँ पर सहयोग राशि पहुँचानी है। तो ये मेरी सिस्टर जो नसीराबाद रामसर में टीचर है हेमलता बुंदेल उसकी स्टूडेंट है, तो मेरी बहन ने लाकर मुझे दिया और मैं इस गुल्लक को यहाँ जिला परिषद में यहाँ सौंप के जा रही हूँ। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम रचना है और ये प्रजापति समाज से है और बिल्कुल ही गरीब परिवार की बच्ची है। क्या करते पर हैं पिताजी? इसके पिताजी मटकियाँ बनाते हैं, परंतु हमें इस बच्ची की सोच की कद्र करनी चाहिए कि इसने चाहे उसकी राशि कुछ भी हो परंतु उसकी सोच बहुत बड़ी है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनीता बुंदेल। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे देश के युवाओं में भी काफ़ी उत्साह है, बच्चे भी अपनी जो बचत राशि है उसको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए निपटने के लिए सरकार ने जो राहत कोष बनाए हैं उसमें देने के लिए तत्पर है। आज ही रामसर से एक लड़की है जो कक्षा 6 की पढ़ने वाली है, इसने 520 रुपये जो अपनी बचत राशि है वो एक गुल्लक में रख के यहाँ भिजवाई थी और उसको हमने तोड़ के देखा तो उसमें 520 रुपये निकले हैं। तो हमें इस बच्ची के साहस की, इसके त्याग की शुभकामनाएं देता हूँ इसको कि इसी प्रकार से देश के सारे लोग अपने अपने बचत राशि में से कुछ हिस्सा अगर राष्ट्र को देंगे तो कोरोना जैसे वायरस से लड़ने में हमारी सरकार को मदद मिलेगी। उक्त बच्ची का नाम रचना प्रजापति है, इसके पिता राम किशोर प्रजापति जो पेशे से कुमारी का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।